अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे होटल और रिजॉर्ट पर कार्रवाई की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रशासन सख्त हो गया और पूरे प्रदेश में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अवैध रूप से होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम ने होम स्टे होटलों पर कार्रवाई की है जिनका पंजीकरण समाप्त हो चुका है अथवा जिन्हें अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने बताया मसूरी में होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जा रही है जो नियम के अनुसार संचालित नहीं किए जा रहे हैं या फिर जिनका पर्यटन विभाग, नगर पालिका परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से स्वीकृति नहीं है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा बड़े मोड़ पर एक आई इंडिया नाम का होटल है जिसमें 2020 से अभी तक ना तो कोई ग्राहक की एंट्री की गई है और ना ही अभी तक होटल का पंजीकरण किया गया है, जिसको एमडीडीए ने सीज किया। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। वो अगर सभी तरीके से नियम से चल रहे हैं, उन पर कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि कई रिजॉर्ट ऐसे बन रहे हैं जो कानून के तहत जो कमिशनल चीज़ें हैं उन्होंने नहीं ली है, पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, नगर पालिका में उनको लाइसेंस नहीं मिला है, ऐसे ही उनके पास फूड के लिए FSSI की वो नहीं है, MDDA की तरफ से उनके पास मैप नहीं है। तो इस तरह से एक ज्वाइंट टीम है, एक टास्क फोर्स है जो चेक कर रही है कि जो इल्लीगल हैं रिजॉर्ट उस पर ये कार्रवाई है।